नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल सुनो और जानो में। आज हम करने जा रहे हैं श्रृंगार रस। इससे पहले हमने रस की परिभाषा, रस के प्रकार किए थे और हमने हास्य रस और वीर रस किए थे, तो आज हम करेंगे श्रृंगार रस। चलिए पहले हम समझ लेते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा को। जहां काव्य में पति पत्नी नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ध्यान से समझिए, काव्य में जहां पर पति पत्नी नायक नायिका या स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन हो, प्रेम के बारे में जहां बताया जाए, पति पत्नी के नायक नायिका के, तो उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति है। स्थाई भाव जो है श्रृंगार रस का स्थाई भाव है। और रति नामक स्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, रति नामक स्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, परिभाषा को एक बार फिर समझिए। जहां काव्य में पति पत्नी नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति है। रति नामक स्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं श्रृंगार रस के प्रकार। तो श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब समझ लेते हैं कि संयोग श्रृंगार क्या होता है। संयोग मतलब जहां योग बन रहा हो, तो यहां संयोग श्रृंगार से मतलब है कि जहां पर नायक नायिका साथ में है ना, साथ में है और उनके बीच प्रेम चल रहा है, तो इसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग, वियोग का अर्थ होता है बिछोड़ना या साथ ना होना। तो जहां नायक नायिका या पति पत्नी या स्त्री पुरुष साथ में नहीं है, बिछड़े हैं, एक दूसरे से दूर हैं और उनमें आपस में मिलने की इच्छा प्रबल हो रही है, तो यहां पर वियोग श्रृंगार होता है। एक दूसरे के मिलने की ललक उनमें पैदा हो रही है या जागृत हो रही है, तो यहाँ वियोग श्रृंगार कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब श्रृंगार रस के मैंने यहाँ उदाहरण लिखे हैं दो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये मीरा जी कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही हैं और कोई भी नहीं है। गिरधर गोपाल जिनकी कृष्ण भगवान जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति, मैंने तो उनको ही अपना पति मान लिया है। तो ये क्या है, मीरा जी का कृष्ण के प्रति प्रेम के प्रति प्रेम भी तो है, तो यहाँ श्रृंगार रस है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। यहाँ पर भी नायिका कह रही है भी मुझे कोई बता दो, कोई मुझ पर दया करके यह बता दो कि मेरा प्रवासी, मतलब वो अपने पति के लिए प्रवासी शब्द का प्रयोग कर रही है जो कि दूसरे देश में है, वो कहाँ है, उसी पागल से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, उसी पागल से मिलने के लिए ही मैं यहाँ दूर तक आकर डेरा डाली हुई हूँ या यहाँ दूर तक आई हूँ। तो यहाँ भी प्रेम का ही वर्णन है ना। नायिका
अपने नायक के बारे में भी सोच रही है, वो उसी से मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गई है। तो यहाँ भी श्रृंगार रस है। उम्मीद करती हूँ कि आपको श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। यदि आप में से कोई मेरे YouTube चैनल सुनो और जानो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल सुनो और जानो को हाथों हाथ सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए और ऑल पर उसको कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।